करने वाली आप सरकार का असली चेहरा धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगा है। दिल्ली में आप सरकार महिलाओं के लिए फ्री बसें चलाती है, सुरक्षा का दावा करती है, महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाने का वादा करती है, लेकिन आपकी असलियत क्या है वो पंजाब से सामने आई इस वीडियो ने साफ कर दिया है। पंजाब में मान सरकार गूंगी बहरी होने के साथ साथ अब अंधी भी हो गई है, क्योंकि उसे पुलिस के घिनौने काम नहीं दिखाई दे रहे। पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि ये वीडियो आखिर कहां का है और आखिर क्यों पंजाब की पावरफुल पुलिस को एक बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाना पड़ा। ये वीडियो है पंजाब के गुरदासपुर का, जहां किसान भारत माला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे पर भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। मौके पर मान सरकार की शक्तिशाली पुलिस पहुंची और विरोध करने वाले किसानों से मारपीट करने लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इनके साथ कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं है। हालात इतने बेकाबू तो नहीं दिखाई दे रहे कि एक महिला पर मान की पुलिस को अपनी ताकत दिखानी पड़े। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या ही कर सकता है। हालांकि जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो आप सरकार महिलाओं के हक में आवाज उठाने की बात करती है, तो अब तक इस पर कोई भी आपका रिएक्शन क्यों नहीं आया? आम आदमी पार्टी की सरकार या यूं कहें कि प्रबल सरकार अब तक चुप क्यों है? जब जब चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल महिलाओं का मुद्दा उठाते हैं, चीख चीख कर कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है महिलाओं को सुरक्षित रखना, लेकिन क्या ये तस्वीरें इन दावों को खोखला नहीं करती हैं? ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन शायद अभी तक पंजाब की मान सरकार और आपके कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल तक नहीं पहुँचा। लेकिन सवाल यही है कि अगर हाल यही रहा तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? पेड़ मारती हैं।